हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। ये मेरा जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड 60 ट्यूटोरियल्स है। इस ट्यूटोरियल्स में हम लोग फॉर्म वैलिडेशन पढ़ने वाले हैं। तो मैंने आप लोग को जब जावास्क्रिप्ट का लेक्चर स्टार्ट किया था, तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोग को बताया था कि ये जो जावास्क्रिप्ट का जो मेन यूज है वो आपका फॉर्म वैलिडेशन में होता है। और मैंने वहां पर ये भी बताया था कि जितने भी वेब डेवलपर होते हैं, अगर वो जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं और उनको फॉर्म वैलिडेशन करनी होती है, तो मोस्टली जावास्क्रिप्ट ही यूज करते हैं फॉर्म वैलिडेशन के लिए। सो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो फॉर्म वैलिडेशन है, ये आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, इसे आप केयरफुल ध्यान से पढ़िएगा, क्लियर है? तो इसको समझने के लिए हम लोग डायरेक्ट प्रैक्टिकली देख लेते हैं और वहीं पर मैं समझा दूंगा इसको। तो आइए यहाँ पर मैं प्रैक्टिकली में फॉर्म को कैसे वैलिडेट करते हैं देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फॉर्म बना लेता हूँ HTML के थ्रू। अगर जिन स्टूडेंट को HTML नहीं आता है, वो मेरा HTML का ट्यूटोरियल देख सकते हैं। उस HTML के ट्यूटोरियल में मैंने फुल डीप में बताया, फुल डिटेल्स में बताया। तो अगर आपको रियल में नॉलेज चाहिए HTML का, तो वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना, क्लियर है? तो आइए हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक फॉर्म नाम का टैग बनाता हूँ, फॉर्म एट्रीब्यूट ये बनाता हूँ। इस फॉर्म को क्लोज कर देता हूँ मैं। अब इसी फॉर्म के अंदर में मैं जो भी एट्रीब्यूट्स लेने वाले हैं हम लोग लेंगे। अब ये फॉर्म है, यहाँ पर मैं एक फॉर्म का नेम दे देता हूँ। मान लो इस फॉर्म का नेम मैंने XYZ दिया। और यहाँ पर मैं एक्शन लेता हूँ। एक्शन का मतलब क्या होता है, अभी तो मैं इस एक्शन का यूज नहीं करने वाला हूँ, लेकिन आप लोग जान जाओ कि एक्शन का मतलब क्या होता है। मान लो कि अभी जो मैंने फॉर्म बनाने जा रहा हूँ, उस फॉर्म पे जैसे मैं सबमिट करूंगा, तो इसका आउटपुट दूसरे पेज पे आनी चाहिए या फिर मेरा दूसरे पेज पे जानी चाहिए। तो उस पेज का पाथ यहाँ पर देना पड़ता है, एक्शन में उस पेज का पाथ देना पड़ता है। तो यहाँ तो अभी फिलहाल मैं एक्शन नहीं लेने वाला हूँ, यूज नहीं करने वाला हूँ, तो यहाँ पर इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब मैं यहाँ पर सिंपल बेसिक नेम नाम का ये टेक्स्ट बना लेता हूँ, इनपुट इनपुट टाइप मैंने लिखा, इसको मैं टेक्स्ट ही रहने देता हूँ। यहाँ पर नेम मैंने लिया, इसको मैं नेम ही रहने देता हूँ। अब इसको मैं दो बार ब्रेक कर देता हूँ। दो बार मैं इसलिए ब्रेक कर रहा हूँ ताकि आपको न्यू लाइन में अच्छा स्पेस मिल जाएगा। अब इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको बार बार लिखना ना पड़े ऐसा। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं पासवर्ड के लिए लिखता हूँ, यहाँ पर मैं पासवर्ड। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये जो टेक्स्ट है यहाँ पर आप पासवर्ड लिख दो। पासवर्ड लिखने से बेनिफिट क्या होगा कि जब आपका पासवर्ड आएगा तो वहाँ पर डॉट 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 जैसा आएगा, तो वो रियल में पासवर्ड जैसा दिखता है। अगर आप यहाँ पर टेक्स्ट लिखते हो तो आपका सिंपल वर्क करेगा, लेकिन सिंपल सा टेक्स्ट यही रहेगा। यहाँ पर इसका नेम मैं पास दे देता हूँ, आपको जो नेम देना है दे सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पर एक और मैं ईमेल के लिए ले लेता हूँ, ईमेल लिया और यहाँ पर भी मैं ईमेल दे देता हूँ। ये जो पासवर्ड और ये जो ईमेल है, ये आपका इनबिल्ट फीचर्स है, इनबिल्ट HTML का वैलिडेशन करने का फीचर्स होता है, ठीक है? अब यहाँ पर भी मैं ईमेल कर देता हूँ। ये जो ईमेल और ये जो पासवर्ड है, HTML का इनबिल्ट फीचर्स है, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोग को बताने जा रहा हूँ कस्टमाइज वैलिडेशन, मतलब कि मेरा खुद का वैलिडेशन होना चाहिए। मैं जैसा चाहूँ वैसा मैं स्टेटमेंट प्रिंट करवा सकता हूँ, क्लियर है? तो इसके लिए मैं ये वैलिडेशन, इसके लिए हम लोग कस्टमाइज वैलिडेशन करने वाले हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इनपुट टाइप में मैंने सबमिट कर देता हूँ। अब यहाँ पर ना ये जो वैल्यू, इसको वैल्यू ले लेता हूँ, यहाँ पर वैल्यू कर देता हूँ। अब ये जो पार्ट है इसको यहाँ पर मैंने लॉगिन का एक बटन ले लेता हूँ, ठीक है? अब इसको मैं सेव करके दिखा देता हूँ आप लोगों को कि ये आपका आउटपुट कैसे दिखेगा। उसके बाद हम लोग इस पर वैलिडेशन अप्लाई करेंगे। देखो ये मेरा सिंपल एक फॉर्म बन गया जिसमें नेम, पासवर्ड और ईमेल है, ठीक है? यहाँ पर मैं ये जो टेक्स्ट और ये जो पासवर्ड यहाँ पर लिखे हो, इसका मैं डिफरेंट समझा देता हूँ। देखो अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिखता, देखो मेरा डॉट डॉट आ रहा है, मतलब हाइड हो रहा है पासवर्ड, ये मेरा इनबिल्ट फीचर है HTML का। लेकिन अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ ऐसा, तो देखो यहाँ पर वैसा नहीं आएगा। अगर मैंने कुछ लिखा तो दिख रहा है, तो ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये पासवर्ड के लिए अच्छा नहीं लग रहा है। वैसे ही इसलिए मैंने यहाँ पे पासवर्ड किया, क्लियर है? वैसे यहाँ पर मैंने ईमेल में अगर इनबिल्ट फीचर्स ईमेल लिया, और यहाँ पर अगर आप @ मेंशन नहीं करते हो और इसको सबमिट करते हो, तो यहाँ पर आपका एक मैसेज आएगा कि प्लीज इंसर्ट वैलिड ईमेल आईडी। तो ये आपका
इन बिल्ड फीचर्स है HTML का वैलिडेशन करने के लिए। अभी हम लोग देखने वाले हैं कस्टमाइज वैलिडेशन के लिए, जो कि हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज करने जा रहे हैं। तो इसको मैं यहाँ फिलहाल ये हटा देता हूँ। अब यहाँ पर मैं वैलिडेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि ये मैं रिटर्न कर देता हूँ एक ऑन सबमिट इवेंट है। इस इवेंट को मैं कॉल करता हूँ, ये आपका ऑन सबमिट इवेंट है। इसके बारे में डिटेल्स में मैंने इवेंट लेक्चर में बता दिया है। यहाँ पर मैं फंक्शन एक लेता हूँ, मान लो कि मैंने जीक के नाम का एक फंक्शन लिया। अब इसी फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ यहाँ पे। ये स्क्रिप्ट का पार्ट है, इसके अंदर में हम लोग जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन लेता हूँ और इस फंक्शन का नाम जीक के मैंने दिया। अब इसके अंदर में मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ, वेर लिया इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ पर फॉर्म का नेम, आपका फॉर्म का नेम क्या है, मेरा एक्स वाई जेड है फॉर्म का नेम। तो यहाँ पर फॉर्म का नेम लिखूंगा एक्स वाई जेड डॉट। यहाँ पर मैं अभी किसको वैलिडेशन करने जा रहा हूँ, नेम को। तो यहाँ पर नेम के लिए जो ये नेम के अंदर ये नेम है, इसके नेम के अंदर में आपने जो लिखा है यही चीज आपको यहाँ लिखनी है। यहाँ पर मैं नेम लिख देता हूँ डॉट वैल्यू। वैल्यू मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि अगर ये जो आपका टेक्स्ट है इसके अंदर में जो भी आप पास करोगे वैल्यू, ये वैल्यू आपका इसके अंदर में एक्स के अंदर में स्टोर हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको मैं एक कंडीशन ले लेता हूँ, एक कंडीशन मैं ले रहा हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ एक्स इक्वल इक्वल नल कर देता हूँ। ठीक है, और ये लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ, फिर एक्स इक्वल इक्वल एम्प्टी कर देता हूँ। अगर ये होगा मेरा तो इसके अंदर में मैं अलर्ट में पास करता हूँ कि नेम यहां पर मैं लिख देता हूँ नेम कैनोट एम्प्टी। क्लियर है? या फिर ब्लैंक कर दो, नेम कैनोट ब्लैंक। ठीक है, अब ये इसको मैं रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न मैं फॉल्स कर देता हूँ, रिटर्न फॉल्स कर देता हूँ। क्लियर है? अब ये कॉल मैं ले लेता हूँ, अब किसके लिए मैं लेता हूँ, नेक्स्ट लेता हूँ मैं पासवर्ड के लिए। तो पासवर्ड के लिए भी एक आप यहाँ पर वेरिएबल बना लो, यहाँ पर एक वेरिएबल बना लो पासवर्ड के लिए आप। अब इसका वेरिएबल का नेम मैं वाई दे देता हूँ। अब यहाँ पर नेम नहीं है, यहाँ पर मेरा पास है, देखो यहाँ पर ये मैंने पास लिखा है, यही पास यहाँ देना है। अब इसका वेरिएबल वाई है, तो इसके लिए भी मैं एक वैलिडेशन कर देता हूँ। अब इसका इसके बाहर जाता हूँ, एक और एल्स एफ लेता हूँ और इसके अंदर में मैंने एक्स इक्वल इक्वल टू ऐसा करता हूँ एक्स डॉट, मैं इसका लेंथ दे देता हूँ, लेंथ लेस देन अगर मैंने फाइव किया, यहाँ पर मेरे को पूछना चाहिए अलर्ट में, इसके लिए अलर्ट में मैं कर देता हूँ कि आपका जो लेंथ है फाइव से कम नहीं होनी चाहिए ऐसा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ प्लीज इंसर्ट एट लीस्ट फाइव कैरेक्टर। क्लियर है? अब इसको मैं फॉल्स कर रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न फॉल्स करता हूँ। अब इसको मैं सेव करके आपको दिखाता हूँ कि ये मेरा वैलिड हो रहा है कि नहीं। इसको मैं सेव रन किया, अब देखो जैसे ही मैं इसको एम्प्टी, मेरा नेम एम्प्टी है, अब इसमें मैं सबमिट करने जा रहा हूँ, क्या बोल रहा है कि नेम कैन नॉट ब्लैंक, मतलब कि आप नेम को फिल करो। मान लो कि मैंने यहाँ पर नेम को फिल किया, मैंने लिया कुमार, तो ये मेरा पासवर्ड का भी पूछना चाहिए। अब यहाँ पर मान लो कि पासवर्ड में मैंने 123 लिया, अब देखो मैं लॉगिन करता हूँ तो यहाँ पे आपका पासवर्ड के लिए वैलिड नहीं हो रहा है, इसको देख लेते हैं एक बार। सॉरी यहाँ पर एक्स नहीं, यहाँ पर वाई है, क्योंकि पासवर्ड के लिए मैंने यहाँ पर वाई लिया। देखो यहाँ पर वैल्यू जो पासवर्ड के लिए वेरिएबल है ये वाई है। अब आपका हो जाएगा, इसको मैं सेव करता हूँ, इसको रिफ्लेक्ट करता हूँ। यहाँ पर मैंने नेम दिया कुमार और पासवर्ड मैंने 123 लिखा। अब जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, मेरा मैसेज क्या आ रहा है, प्लीज इंसर्ट एटलीस्ट फाइव कैरेक्टर, मतलब कि पांच से ज्यादा कैरेक्टर आप इंसर्ट करो। तो आपको पता चल रहा होगा कि हम लोग इस तरह से वैलिडेशन करते हैं। जब आप कोई वेबसाइट बनाते हो तो उसके लिए आप उस वेबसाइट के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं
तो फॉर्म पे सबमिट करने से पहले आप जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उस पर आप वैलिडेशन लगा सकते हो। क्लियर है? आई होप आप लोग को ये पॉइंट समझ में आ चुका होगा। आपको कोड लिखनी है, आप यहाँ से कोड लिखना स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले मैंने यहाँ से ये पार्ट लिखा। अब यहाँ पर एक पॉइंट्स और आप लोग को समझाना चाहूंगा कि आप लोग बोलोगे कि यहाँ पर आपने रिटर्न फॉल्स क्यों किया। अगर मैं रिटर्न फॉल्स नहीं करता हूँ तो ये वैलिडेशन चेक भी नहीं करेगा, आगे बढ़ते जाएगा। तो वैलिडेशन चेक करने के बाद आगे नहीं जाना चाहिए मुझे, इसलिए मैंने रिटर्न फॉल्स किया। और इसके लिए मैंने देखो यहाँ पर फंक्शन में ये जो है आपका जो इवेंट है वहां पर मैंने रिटर्न लिख दिया, इसलिए मेरे को फॉल्स वहां किया। क्लियर है? ये एग्जाम्पल आप लिख लो। अब मैं नेक्स्ट एक और मैं ट्यूटोरियल्स बनाने वाला हूँ फॉर्म वैलिडेशन के लिए, उसमें मैं एक अलग तरीके से फॉर्म को वैलिडेशन करूंगा, ठीक है? और वो वैलिडेशन आपका इससे भी बेटर होगा। उसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं कि मान लो कि एक पासवर्ड बनाते हो और एक और री इंटर पासवर्ड लिखते हो, वो दोनों मैच नहीं होनी चाहिए। अगर मैच हो रहा है सॉरी वो दोनों मैच होनी चाहिए, अगर मैच नहीं हो रहा है तो वहाँ पर मैसेज आने चाहिए कि दोनों पासवर्ड मैच नहीं हो रहा है। उसके लिए हम लोग वैलिडेशन करेंगे। जैसे आप लोग फेसबुक यूज करते हो या अभी कोई भी अकाउंट क्रिएट करते हो तो वहां पर बोलता है कन्फर्म पासवर्ड, पासवर्ड और री इंटर पासवर्ड, तो वहां पर उसके लिए हम लोग वैलिडेशन करने वाले हैं। तो आप लोग मेरा इसका सेकंड ट्यूटोरियल्स आई मीन फोर वैलिडेशन का देखना न भूलें। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आ चुका होगा। थैंक यू।